अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है ट्विन्स। ट्विन्स क्या है और ट्विन्स की कितनी टाइप्स है, बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ट्विन्स का मतलब होता है कि बर्थ होना टू या मोर देन टू बेबीज़ का, दो या दो से ज़्यादा बच्चों का एक वक्त में पैदा होना ट्विन्स कहलाता है। एक आइडेंटिकल ट्विन्स है और एक फर्टर्नल ट्विन्स है। एक फर्टर्नल ट्विन्स है और एक का नाम आइडेंटिकल ट्विन्स है। अब सुनिएगा ज़रा, आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे होते हैं। एक मेरे बच्चे एग बना फीमेल के अंदर और वह स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज होने के बाद वो बन गया जायगोट। जायगोट एक से दो सेल में डिवाइड होगा और दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो एक सेल ये आ गया, एक सेल ये आ गया। टू सेल स्टेज में दोनों सेपरेट हो गए, ये दो सेल आ गए। ये सेल आगे जाके डिवाइड होने के बाद 16 सेल के स्टेज में जाएगा, ये भी 16 सेल के स्टेज में जाएगा और आगे फर्दर डिवीजन के बाद इससे भी एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, इससे भी एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। अब आपके सामने देखिएगा, एक एग बना है, एक फर्टिलाइजेशन हुई है और एक जायगोट से दो बच्चों का पैदा हो जाना, ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। इन दोनों की पहचान ये है कि बोथ सेक्सेस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दोनों सेम होंगे। दोनों सेम क्यों है, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन है। बोथ सेक्सेस आर सेम, जेनेटिकली भी सेम है, सेक्सेस भी सेम है, मतलब कि दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियाँ होंगे, दोनों सेक्सेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। सिंगल फर्टिलाइजेशन हुई है, एक ही प्लेसेंटा बनेगा और फीमेल के अंदर एक ओवरी एक्टिव होती है एक मंथ के अंदर, तो सिंगल ओवरी ही एक्टिव थी एक मंथ के अंदर, तो सिंगल ओवरी इज एक्टिव हेयर। तो इस तरह से जो बना उसका नाम क्या, आइडेंटिकल ट्विन्स है। फर्टर्नल ट्विन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल फीमेल की दोनों ओवरी एक्टिव होगी और दोनों ओवरी एक्टिव होने से दो एग बने, एक एग अलहदा फर्टिलाइज हुआ, एक एग अलहदा फर्टिलाइज हुआ, ये फर्दर डिवाइड हुआ, ये फर्दर डिवाइड हुआ, फर्दर डिवाइड होने के बाद इससे भी ऑफस्प्रिंग बना, फर्दर डिवाइड होने के बाद इससे भी ऑफस्प्रिंग बना। अब दोनों बच्चों का जेंडर भी सेम नहीं हो सकता, दोनों बच्चों का कलर वगैरह भी चेंज हो सकता है। अगर सेक्सेस सेम है, दोनों लड़की हैं, मार कलर में चेंज होगा। अगर दोनों लड़की हैं तो कलर में या कोई आप कह सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स में चेंज होगा। तो ये जो ट्विन्स हैं इसको कहते हैं फ्रटर्नल ट्विन्स। बोथ सेक्सेस आर नॉट या बोथ सेक्सेस आर जेनेटिकली डिफरेंट, दोनों जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बोथ सेक्सेस मे बी सेम और नॉट, दोनों लड़के भी हो सकते हैं या एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। मगर ये याद रखना है कि इसमें मोर देन वन फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टर्नल ट्विन्स के अंदर एक से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हुई है, और यहाँ पर मोर देन वन प्लेसेंटा बनेगा, एक से ज़्यादा प्लेसेंटा बनेगा, और यहाँ पर बोथ ओवरीज आर एक्टिव हेयर, यहाँ पर दोनों ओवरीज क्या थी, एक्टिव थी। तो ये दो तरह के हमारे पास ट्विन्स हैं। अगर जेंडर में फ़र्क आता है तो याद रखिएगा, या खसूसियात में चेंज आता है वो याद रखिएगा, फर्टर्नल ट्विन्स है। अगर दोनों सेम जेंडर हैं, दोनों की सेम खसूसियात हैं, उसको कहते हैं दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स है। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो कि आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।